नमस्कार, आदा, जय हिंद। मैं किशन गुप्ता आपके अपने चैनल इंस्पेक्टर किशन के में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। ये वीडियो हमारी बिगिनर सीरीज की दूसरी वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को एक बिगिनर कैसे अप्रोच कर सकता है। वैसे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इंग्लिश की जो स्ट्रेटेजी है वो प्री के लिए, मेंस के लिए, बिगिनर के लिए, जो रिपीटर्स हैं, सबके लिए सेम है। इंग्लिश की कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है, सिर्फ उसको ही फॉलो करना है, वो आपको लास्ट तक मंजिल तक लेके जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि एक बिगिनर कैसे स्टार्ट कर सकता है, कैसे अप्रोच कर सकता है, क्योंकि अभी 6 महीने के आसपास टाइम है हमारे पास लगभग CGL में, 2022 में, CPU में, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के लिए 3 चीजों मैंने फिर से बांट रखा है इसको, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर से। ग्रामर में आपको सबसे पहले एक बुक पढ़नी है, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 बुक से आपको फर्स्ट चैप्टर टू लेकर लास्ट चैप्टर तक जितने भी ग्रामर के चैप्टर है उसको पढ़ना है, उसका प्रॉपर नोट्स बनाना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो आपको बुक पे ही उसे अंडरलाइन करना है और उसको रिवाइज करते रहना है। 2-3 बार जब आप ग्रामर कर लोगे धीरे 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 तो आपका वो ग्रामर सेक्शन क्लियर हो जाएगा। वैसे ज्यादा ग्रामर का रोल होता नहीं है, मेनली है रोल लिटरेचर का। जितनी अच्छी रीडिंग स्किल होगी उतना अच्छा स्कोर करोगे आप, जो मैं हमेशा ही बताता हूँ आपको, बट फिर भी ग्रामर एक बार करना जरूरी है। तो सबसे पहले बुक है आपके लिए नीतू सिंह मैम के वॉल्यूम 1, वहां से आपको करना है। सेकेंड थिंग है MB पब्लिकेशन आप प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं। और किरण मैं इसलिए यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि किरण जो है वो चैप्टर वाइज है, उसमें चैप्टर वाइज है। जैसे कि आप अगर ग्रामर पढ़ लेते हो तो आप उसके बाद पूरे एरर एक साथ कर सकते हो, पूरा इंप्रूवमेंट एक साथ कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए आप ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए किरण की प्रीवियस ईयर की बुक लेके उस पर आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो। कंप्लीट एरर सेक्शन, कंप्लीट इंप्रूवमेंट सेक्शन, कंप्लीट फिलर्स, ये सारा जो भी चीज है आप वहां से कर सकते हैं। ग्रामर के लिए तो ये था। अब YouTube पे फ्री वीडियोस से आप रिवीजन कैसे करें ग्रामर को या स्टार्ट कैसे करें वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट मैंने डाल रखा है सारे, ये स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा होगा YouTube का, यहाँ से आप YouTube पे जाके, इन चैनल पे जाके इन सब चीज़ों को यहाँ से पढ़ सकते हो। ये हो गया आपके टॉपिक वाइज एरर, टॉपिक वाइज इम्प्रूवमेंट, स्पेलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में इमेज के फॉर्म में जाके वो स्टक होगा तो आप जल्दी चीज़ें भूलोगे नहीं। और एक क्वेश्चन के साथ साथ ये मैम जो है रानी मैम, ये आपको एक क्वेश्चन के साथ 2-3 रूल्स और भी बताते हैं तो आप उसको और अच्छे से आप रिकॉल कर सकते हो और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सेकेंड पार्ट है हमारा वोकैबुलरी। बच्चे परेशान रहते हैं कि वोकैब कहाँ से करें, लेकिन मेरा कहना है कि वोकैब को सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर ही करना है। हाँ, वो कैब याद नहीं होता है साइनोनिम एंटोनिम्स, तो आपको उसके लिए मैंने देसी जुगाड़ की बुक आपको रिकमेंड कर रखी है, देसी जुगाड़ की बुक पढ़ सकते हो आप। उसमें आपको थोड़े से देसी तरीके से चीज़ें याद, ट्रिकी तरीकों से चीज़ों को याद करने के लिए लिखा गया है, तो आप उसको करके चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हो। दूसरी बुक है बहुत ज़्यादा ब्लैक बुक चर्चे में चलती है, तो आप ब्लैक बुक को भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं ब्लैक बुक में, लेकिन आपको क्या है कि कोई नहीं होगा, आपको सीधे सीधे रट्टा मारना पड़ेगा और रट्टी मारी हुई चीज़ बहुत दिन तक आप रिटेन नहीं कर सकते अपने माइंड में। जब तक कि उसके साथ कोई ट्रिक या कोई हादसा या कुछ ना आपके साथ जुड़ा हुआ हो तो आप चीज़ें याद नहीं रख सकते। तो इसलिए मैं देसी जुगाड़ को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। देसी जुगाड़ में आप ट्रिक के साथ याद करोगे तो बहुत दिनों तक वो याद रहता है और अच्छी चीज़ है, वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। फिर वही बात कहूँगा कि जो भी आप किरण पब्लिकेशन या MB पब्लिकेशन की बुक को सॉल्व कर रहे हो वहाँ से आपको एंडो साइनो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडियम फ्रेजेस को कम्प्लीटली 2-4 बार जितनी बार आप कम्प्लीट कर सकते हो वहाँ से कम्प्लीट करना है, आपका वोकैबुलरी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। थर्ड सेक्शन है हमारा इंग्लिश का कम्प्रेंशन। इंग्लिश कम्प्रेंशन कैसे ठीक करें, इंग्लिश कम्प्रेंशन में आपके क्या आएगा, पैरा जंबल जिसके 20 क्वेश्चन मेंस में आते हैं, 2 क्वेश्चन प्री में आता है, क्लोज टेस्ट जिसके 5 क्वेश्चन प्री में आते हैं, 25 क्वेश्चन मेंस में आता है, कम्प्रेंशन जिसकी 30 क्वेश्चन मेंस में आता है। ये बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है आपके पेपर का, तो आपको इस पे कमांड करना बहुत जरूरी है। और अगर लिटरेचर पे आपको कमांड है तो जरूरी नहीं, आप अगर ग्रामर नहीं भी पढ़ते हो फिर भी आप बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो लिटरेचर कैसे ठीक करें, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे आप, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना ज़्यादा मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका लिटरेचर अच्छा होगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने फिर से बुक बता रखी थी, आपको फिर बताता हूँ, MB पब्लिकेशन की बुक उठानी है आपको, प्रीवियस ईयर बुक है वो, उसमें सेट वाइज मॉक वाइज दिया हुआ है, आपको डेली 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वहाँ से आपको धीरे 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 शुरू में बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बार बार गलतियाँ होंगी, लेकिन आपको वहाँ पे हारना नहीं है, गलतियों को सही करना है, फिर से करना है, गलतियों को सही करना है, फिर वैसे उसी टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो आप धीरे धीरे चीज़ें जो है दिमाग में जाके चिपक जाएंगी, तो आप
किसी क्वेश्चन को गलत किए रहोगे, अगर आपको वो क्वेश्चन याद ही नहीं रहेगा एग्जाम टाइम में, तो आपको थोड़ी बहुत जो मेमोरी होती है उसे स्टक कर जाता है कि हाँ ये हो सकता है। और MCQ क्वेश्चन तो आप जानते हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी चीज़ को एक बार कहीं पढ़ चुके हो, अगर वो MCQ फॉर्म में आपके पास आता है तो आपका माइंड कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर इंग्लिश चलता है। आप ज़्यादा नियम पढ़ के और ज़्यादा ग्रामर पढ़ के इंग्लिश नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिए, आप किरण की बुक लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से MBA पब्लिकेशन बेस्ट है। MBA पब्लिकेशन की बुक को आप लीजिए, जितनी बार कर सकते हैं उसको करिए, बहुत अच्छा है। अब रीडिंग कंप्रेंशन, रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कैसे करें, उसके लिए मैंने आपको बता रखा था कि वेब सीरीज देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने का अच्छा लगता हो आपको तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जो भी आर्टिकल आपको पसंद आता है वो पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, स्पोर्ट्स आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बिजनेस आर्टिकल पढ़ सकते हैं, डेली टू डेली इंसिडेंट्स पढ़ सकते हैं। कुछ भी पढ़िए, कुछ भी रीडिंग करिए, आपका रीडिंग स्किल वहाँ से इनहेंस होगा। कोई बहुत ही अच्छी नॉवल पढ़ने की आपको आदत हो तो आप अपने फेवरेट जॉनरे के नॉवल्स ला के पढ़ सकते हो, फेवरेट जॉनरे की वेब सीरीज देखो, फेवरेट जॉनरे के मूवीज देखो। और मूवीज और वेब सीरीज में मैं आपको एक चीज मेंशन कर दूं कि मूवीज और वेब सीरीज इंटरेस्ट इतना नहीं देखना है कि आप उसी में चिपके रह जाएं। हाँ, उसको नियम से देखें कि हाँ डेली एक एपिसोड देख लिए, और उसमें भी आपको फोकस करना है उसके सबटाइटल पे, उस सबटाइटल में क्या लिख रहा है, उसमें अगर कुछ लिख रहा है तो किसके साथ क्या प्रोपोजिशन लगा रहा है, किसके साथ क्या कंजक्शन लगा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को आप उसको ध्यान देखे हुए आपको सबटाइटल देखना है, तो आपके लिए ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। इसी तरीके से अपना रीडिंग स्किल को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको ये अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ या जो भी आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा कुछ मैंने बहुत ही रिसर्च करके और मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई की हैं अपने एग्जाम से पहले रिविजन करने के लिए। आप इसको शुरू से लेके चलेंगे तो लास्ट में रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करके, जो मैंने स्ट्रेटजी की वीडियो पहले डाल रखी है या जो ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप 5 महीने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको प्री में 45+ और मेंस में 180+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। यही स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की है, बहुत ही सिंपल सोबर सी स्ट्रेटजी है। लोगों को वीडियो पसंद इसलिए नहीं आता क्योंकि उसमें मैं मसाला नहीं डालता हूँ कि ये किताबें हैं वो किताबें हैं, नहीं। जो मैंने पढ़ाई की है किताबों से, जो भी ऑनेस्ट पढ़ाई की है मैंने, बस मैं वही बताता हूँ, कोई मसाला नहीं होता इसमें। सिंपल सी स्ट्रेटजी फॉलो करिए, आपको लास्ट तक लेके जाएगी। इस वीडियो को यहीं विराम देंगे, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा कि रीजनिंग और जीके की बनाऊं, बट मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। रीजनिंग जीके तो आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हो, बस उतना ही काफ़ी है, कुछ स्पेशल नहीं कर सकते जीके में। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आगे कुछ ऐसे वीडियोस दूं। हाँ, लेकिन एक वीडियो मैं बिल्कुल जरूर दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करें, क्या गलतियां नहीं करनी है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए। तो बने रहिए इस चैनल इंस्पेक्टर किशन के साथ। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।